જુનાગઢમાં શ્રીનાથજીના દલીચા ખાતે પૂજ્ય કેસરનાથ બાપુની તિથિ નિમિત્તે ભંડારો યોજાયો હતો અને ભંડારાનું સુંદર આયોજન કરી સાધુ સંતોને પ્રસાદ અને ભેટ પૂજા આપી પૂજ્ય કેસરનાથ બાપુને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. જુનાગઢ શહેરના ગિરનાર રોડ પર આવેલા શ્રીનાથજી દલીચા ખાતે પૂજ્ય કેસરનાથ બાપુની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે ભવ્ય ભંડારો યોજવામાં આવ્યો હતો. રવિવારની રાત્રિના ભજન સંધ્યામાં નિરંજન પંડ્યાના ભજન યોજાયેલા હતા અને ભંડારો રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અંદાજે 700 સાધુ સંતોએ પ્રસાદ લીધો હતો. આમ ભંડારાનું સુંદર આયોજન કરી સાધુ સંતોને પ્રસાદ અને ભેટ પૂજા આપી પૂજ્ય કેસરનાથ બાપુને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. હા, ઉનકી તિથિ હે, નવમી તિથિ હે, આજ 9 સાલ હોગા, 9 સાલ હે. આજ કા ભંડારે કા પ્રોગ્રામ હે ઉનકે નિમિત્ત. કલ સંધ્યા ભજન ભજન સબ પ્રોગ્રામ થા, નિરંજન પંડ્યા કા પ્રોગ્રામ થા કલ. હા, ખાના પીના ભોજન સર્વ સાધુ સંતો કો ભંડારા. ચાચા ગુરુજી પરમ પૂજ્ય ભોલેનાથજી કર્ણપ્રયાગ મેં ઉમા મહેશ્વર આશ્રમ હે, ઉનકા વહાં પે જો ગાય ગૌ સેવા યાને કે ટૂટી હુઈ કિસીને નિકાલ દિયા હો એસી ગૌઓ કી સેવા કરતે હૈ. और जो आने जाने बद्रीनाथ के रास्ते में दर्शन करने वाले आते हैं, यात्रु साधु संत फकीर सबको भोजन प्रसाद दक्षिणा जो उनके से हो सके वो सेवा करते हैं. वहाँ पे जीरो माइनस टेम्परेचर रहता है, इतनी ऊंचाई पे हिमालय में ये सेवा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा से सब हो रहा है. ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः. हे गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने टोंग गिरनार पर आवेल पूर्व महान श्री गुरु पीर केसरनाथ जी, उनकी नौमी पुण्यतिथि है. मेरे चाचा गुरु जी उत्तराखंड से परम पूज्य भोलेनाथ जी आए हुए हैं और उनके सानिध्य में कल शाम को भजन संध्या निरंजन पंड्या का रखा था. भजन भोजन प्रसाद चाय पानी और आज दिन में साधु संतों का भंडारा है. 500-600 साधु आएंगे, भोजन और आनंद करेंगे. मैं नोएडा से आया हूँ. मेरे गुरु जी महाराज भवनानाथ जी महाराज का आश्रम उत्तराखंड में कर्ण प्रयाग में है. वहाँ पर हमारी जितनी असहाय गऊ हम दूध के लालच से नहीं रखते, जो छोड़ देते हैं निकाल देते हैं. हम उन सब गांवों का चारा पानी रहने की व्यवस्था ठंड में सारा हम लोग डॉक्टरी व्यवस्था सब हम सब भक्त मिल करके गुरु जी के साथ सानिध्य में हम सारा कार्य करते हैं. भारत में वर्ष में कोने कोने में गुरु जी के हम जैसे शिष्य बहुत सारे हैं. मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जूनागढ़ की धरती से, गुजरात की धरती से जिन संतों को चार धाम की यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा, तो हमारे उमा महेश्वरी आश्रम मेन रोड पर है, मेन रोड बद्रीनाथ मार्ग पे उमा महेश्वरी आश्रम. आप कहाँ से? मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैं 9वीं बार गुजरात की धरती पर आया हूँ. मैं अपने पत्रकार महोदय से कहना चाहूँगा कि इस तरह की व्यवस्थाएँ गौ के लिए ऊपर तक पीएम तक सीएम तक पहुँचाएँ, चूँकि गौ की सारी गौ भारतवर्ष की सारी गौओं की, हाँ, गुजरात में भी अच्छी सेवा हो गौ की. चूँकि अभी उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे पंथ से हमारे गुरु भाई आदित्यनाथ योगी जी ने एक व्यवस्था की है कि जिला कलेक्टर को कि हर ग्राम पंचायत पे गौशाला बनाई जाए, और उसका पैसा जो पास किया है उन्होंने आबकारी विभाग से, इनकम टैक्स विभाग से, उनसे सबसे लेकर के गऊ की सेवा की जाए. अगर जो DM जनपद में इस व्यवस्था को नहीं करेंगे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी गऊ सेवा के लिए. ये मेरा मानना है और मेरा आपको बताना है. मनीष टाक के साथ NH गुजरात न्यूज़ जूनागढ़.